वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट आप लोगों की फरमाइश पर कश्मीरी चाय बनाते हैं, यानी पिंक टी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ एक पतीला है, चूल्हे को ऑन करते हैं और यहाँ 2 कप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालते हैं, साथ ही डाल देंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन टी, कोई सी भी ग्रीन टी ले लें आपको जो पसंद हो। और यहाँ इसमें डालेंगे चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा, बस। अब इसके बॉईल का वेट करेंगे, थोड़ा सा हिला लेते हैं। चले यहां देखें हमारे पास 2 कप दूध है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम लो पर रख देते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगे। कश्मीरी चाय में कुछ खास ज्यादा करने का नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर का मामला है और ये हिलाने का मामला है, शॉक देना है बेसिकली। कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है कि वो डर के और लाल हो जाए, और लाल हो जाए तो फिर दूध में जाए तो गुलाबी हो जाए, यानी कश्मीरी चाय बन जाए। तो बेसिकली ये गर्म होता जाएगा और हमें इस तरह से इसको हिलाते रहना है, बेसिकली फनी है, खेले बचपन में अगर इस तरह से पानी से नहीं खेलना मिला है तो आज खेल ले। मुझे बड़ा मजा आता था टब में पानी भर के, छोटा सा एक मेरा टब हुआ करता था प्लास्टिक का और उसके अंदर कोई प्लास्टिक का यम्मी ग्लास दे दिया करती थी, मुझे याद भी है, तो उल्टा डालती थी और उसके बाद कोशिश करती थी कि क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रेशर जो है वो एयर जो है वो ब्लॉक करता था ना, और मैं उसको ज़बरदस्ती डालती थी, फिर मैं साइड वेज डालती थी तो बबल निकलते थे डर 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 और भर जाता था। तो मैंने ऐसे बहुत इन्जॉय किया है। ये देखें चाय का कलर जो है आना शुरू हो गया है। चलें ये इतना अच्छा सा बॉइल्ड हो रहा है, उसमें अब हम डाल देते हैं 6 इलायचियां और 1 बादियान, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये चला गया। अच्छा ये हमें हिलाना है और इसको पकाना है जब तक कि ये 2 कप से 1 कप ना रह जाए। देखिए ये ऑलमोस्ट 1 कप रह गया है और 1 कप जो है वो हमने खेलने खेलने में इसको ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ देखें हमारे पास 2 कप ठंडा पानी है, यानी बर्फ वाला, बिल्कुल ठंडा, तो ये इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको शॉक देंगे हम, वो कहेगा ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, और अब फिर खेलना शुरू कर देंगे। ये देखिए कलर जो है डिफरेंट हो गया और अब होता ही जाएगा। तो बेसिकली ये शॉक थेरेपी चल रही है। चले हैं अब ये पक पक के बड़ा अच्छा सा हो गया है और तकरीबन अब अराउंड 2 कप या 1.5-2 कप रह गया है। तो अब चूल्हे को कर देते हैं बंद और यहाँ भी बड़ा अच्छा सा हमारा दूध गर्म हो गया है तो इसका चूल्हा भी बंद कर देते हैं और ये गर्म दूध में हम डाल देते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून शक्कर। अगर आप ज़्यादा पीते हो तो ज़्यादा डाल लें, ये थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है। बड़ा अच्छा सा पक पक के बड़ा अच्छा सा हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे ये अपना कहवा, इतना डालेंगे जितना आपको कलर पसंद हो। ये देखिए बड़ा अच्छा खूबसूरत सा गुलाबी हो गया है, थोड़ा सा और डाल देते जरा सा। चलें अब इसको हम अपने क्यूट क्यूट से कप में निकाल लेते हैं, बालाई भी आ गई है, बड़ा मजे की लगेगी।
चले अब इसको गार्निश करते हैं हम स्लाइस किए हुए बादाम और पिस्ते से। टडा, रेडी है। और ये कहवा जो है वो हम किसी भी चीज में भर के रख देंगे फ्रिज में और आराम से हम 4-6 दिन तक यूज कर सकते हैं, दूध गर्म करके, शक्कर डाल के, कहवा डाल के, गुलाबी चाय दोबारा। देखा कैसे झटपट आप लोगों की फरमाइश पर कश्मीरी चाय बन गई गुलाबी गुलाबी। तो चले अब मैं कौन सी पीऊं बताए, ये पीऊ, ये देखिए ये कितना खुश हो गया है, आंख मार रहा है, मस्ती के मूड में, या ये पीऊं कि ये बड़ा खुश हो रहा है, इसको तो यमी लगी रही है, दोनों पी लेती हूँ। चले ये ट्राई करती हूँ। खतरनाक है, शक्कर आप लोग को जितनी डालनी हो डालें, और ऐसा वो बादियान का और इलायची का जो फ्लेवर आ रहा है और बादाम पिस्ते मुंह में आ रहे हैं, गाढ़ा गाढ़ा दूध भी हो गया था। और देखे लेफ्ट ओवर जो है इस तरह कहवा रख सकते हैं, फ्रिज में रख लें और जब दिल चाहे दूध को गर्म करें, शक्कर डालें और फिर पी लें, मानते हैं। मैं हर में ये भी पी लेती हूँ ये आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों की ज्यादा अच्छी है। चले जल्दी जल्दी जाए बनाए, अभी सर्दियों का मौसम है, कश्मीरी चाय को एंजॉय करें, आप लोग की ख्वाहिश पूरी की है तो आप धमाल मचाएं, आप लोग बना बना के गुलाबी गुलाबी जिंदगी हो आपकी, मजे करें और मजे करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी इस खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।